जय माता दी। स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये महिंद्रा स्कॉर्पियो की TV300 मॉडल है। दोस्तों ये गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि इसका AC काम नहीं कर रहा, जैसे हवा सिर्फ फ्लो दे रहा है पर कूलिंग नहीं कर रहा, थोड़ा भी कूलिंग नहीं कर रहा था दोस्तों। तो ये गाड़ी मेरे पास 2 दिन पहले आई थी, सिर्फ चेक किए हमने, पर इसका सामान न होने की वजह से उस समय हमने खोला नहीं दोस्तों। और इसका कंप्रेसर में प्रॉब्लम था, हमने फ्यूज रिले इसका वायरिंग सब कुछ चेक कर लिया, देखा कि कंप्रेसर तक पूरा करंट आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है। करंट वहाँ पर मतलब कंप्लीट पूरा सही था। उसके बाद हमने बोला कस्टमर की कंप्रेसर ख़राब है, इसका सामान ये ख़राब है और इसको मंगाने में 1 दिन का समय दीजिए। तो हम लोग 1 दिन का समय लेके इसका सामान मंगाया, जैसे हमारे पास सामान है हम गाड़ी मंगा कर खोलने आए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कंप्रेसर बहुत लोग होते हैं कि डायरेक्ट बदल देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसमें रिप्लेस हो जाती है, चेंज हो जाती है, जैसे कि बैरिंग इसका रिप्लेस हो जाता है, मैग्नेट कॉयल और क्लच सेट इसका, पुली, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इसका चेंज हो जाता है दोस्तों। पूरा कंप्रेसर बहुत हार्डली ख़राब होता है, जल्दी नहीं ख़राब होता है। और इसका कंप्रेसर ख़राब होने का कारण भी मैं आपको बता दूँ, इस गाड़ी का रेडिएटर फ़ैन जो था कंडेंसर फ़ैन वो काम नहीं कर रहा था। इसमें कंडेंसर और रेडिएटर इंजन ठंडा करने के लिए और कंप्रेसर को कूलिंग कंडेंसर को ठंडा करने के लिए दोनों एक ही फ़ैन है, दोनों एक ही पर काम करता है दोस्तों। ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका फ़ैन नहीं चलने की वजह से इसका कंप्रेसर में प्रॉब्लम हुआ था दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जला क्या है इसके अंदर, अभी खोल कर मैं आपको दिखा दूँगा कि प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पूरा कंप्रेसर नहीं डाल देते, या किसी मैकेनिक ऐसे भी होते हैं लोग कि भाई बोलते हैं कंप्रेसर ख़राब है, कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसमें अगर कुछ चीज़ें जैसे चेंज हो जा रही है तो आपको बता देना चाहिए कि उसको चेंज कर देना चाहिए, पूरा नहीं चेंज करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने कंप्रेसर बाहर निकाल लिया है, तो अब इसको हम खोलेंगे क्या, ये देखिए हम इसका जो क्लच सेट है उसको बाहर निकालेंगे। इसका ये नट जो है जलने की वजह से मैग्नेट कॉयल ये थोड़ा सा जाम हो गया था दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसका मतलब ये क्या इसमें जला है क्या नहीं जला है, मैं एक एक चीज़ें बारीकी से आपको बताऊंगा। और आपकी गाड़ी में भी अगर ऐसा कुछ हो तो पहले एक बार ज़रूर मैकेनिक से, जो भी AC टेक्नीशियन है उसको ब्लीच एक बार चेक करा ले। ये देखिए ये ऊपर का क्लच है और ये देखिए ये हमने लॉक से इसको लॉक रहता है, लॉक से निकालना रहता है, लॉक निकाल कर उसके बाद ये हम लोग इसका जो ये बैरिंग रहता है पुल्ली, इसे बोलते हैं क्लच पुल्ली, तो इसको बदल देना। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों ये मैग्नेट कॉयल है, यही इसका मेन है, यही जब अपना काम करता है तो क्लच काम अंदर जाता है, चिपकता है। वो भी मैं आपको भी नया डाल के दिखा दूँगा, नया डालने के बाद मतलब कैसे काम करता है। और दोस्तों इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर लें, क्योंकि इसके ऊपर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो हम लोग पहले तो क्लीनिंग में ध्यान देंगे, क्लीन अच्छे से करने के बाद ही इसका सब कुछ हम लोग करेंगे। क्लीनिंग के बाद हम इसको नया डालेंगे दोस्तों। ये देखिए TV300 का मार्कर, कभी भी दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर जो भी सामान डालिएगा लोकल कभी मत डालिएगा। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ अपने वीडियो में, लोकल कभी मत डालिएगा, लोकल ओरिजिनल में सिर्फ 400-500 रुपये का फ़र्क होता है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये मैग्नेट कॉयल, देखिए अब हम लोग को पूरा कंप्रेसर बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेट ये पूरा कंप्रेसर इसका कम से कम 14,000 से 15,000 रुपये का आएगा। मैग्नेट कॉयल बहुत सस्ता आता है दोस्तों, इसके मतलब एक भाग के हिस्से में ही आ जाएगा आपको ये मैग्नेट कोयल। मैं प्राइस नहीं बता सकता हूँ, पर ये चीज़ समझिए कि ये बहुत सस्ता आता है। आप कभी भी इसको यही इसी तरह से लगवा लीजिए मैग्नेट कोयल, जब ये कंप्रेसर आपका काम नहीं करे। हम लोग पूरा चेक करते हैं, पूरा चेक करने के बाद जैसे कि देख रहे हैं आप मैग्नेट कोयल पुल्ली हमने सेट कर दिया, उसके ऊपर से क्लच लगाकर हम लोग इसका नट टाइट करके कंप्रेसर को गाड़ी के अंदर फिट करने जाएंगे। कभी भी ध्यान दीजिए दोस्तों कि लोकल मत डालिए, मैं बार बार कहता हूँ लोकल कभी मत डालिएगा अपने गाड़ियों में। अपने गाड़ी को अगर AC का एक नंबर चलाना है, एकदम मतलब जैसे लगे कि ये डालते ही कूलिंग आपके कंपनी की तरह कूलिंग करे, नई गाड़ी की तरह कूलिंग करे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हमेशा सामान कुछ भी डलवाइए वो ओरिजिनल डलवाइए, लोकल कभी मत काम करवाइए अपने गाड़ियों में। AC हो, वायरिंग हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी संबंधित इंजन काम करवा रहे हैं, लोकल काम मत करवाइए। नहीं कि आज लगा दिए और कल ख़राब हो जाए, ऐसा करना ही नहीं है आप लोगों को। कभी भी मैं हमेशा यही सजेशन आप लोगों को देता हूँ कि इसको ओरिजिनल डालिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ओरिजिनल मैंने डाल दिया TV300 का। ये अब क्या करेंगे हम लोग, इसका कंप्रेसर ऑयल बाहर से ही डाल देंगे। ये देख लीजिए, मैं पहले आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए काम कैसे कर रहा है। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये काम कैसे करता है देख लीजिए दोस्तों।
ये देख लीजिए, ये जो अंदर बाहर हमारे वो तार लगाने पर कर रहा है, बस ये इतना ही काम करता है और इतने ही काम में इसका कंप्रेसर चालू हो जाता है दोस्तों, ये चीज़ समझिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर ऑयल बाहर ही डालेंगे, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर कंप्रेसर ऑयल डालना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, और जैसे कि हम लोग खोले थे कंप्रेसर को तो ऑयल सब निकल गया था, जैसा कि आप देख पा रहे नीचे गिरा पड़ा है। तो इसको अब हम लोग डायरेक्ट गाड़ी के अंदर फिटिंग करेंगे। सारे बोल्ट को अच्छे से टाइट करने के बाद हम लोग इसका बेल्ट अच्छे से ऊपर लगा देंगे, क्योंकि बेल्ट भी हम लोग उतारे ही थे। बेल्ट लगाने के बाद हम लोग देखेंगे इसका जो पाइप है वो पाइप फिट करना है। तो पाइप पे भी हमेशा मैं बताता हूँ आपको कि पाइप के जो ओरिंग रहता है उसको ध्यान से हमेशा देख ले, ख़राब है सही है चेंज करना है। तो हमने इसका पहले से ही चेंज कर दिया था, क्योंकि ख़राब था नहीं पर हमने खोला था, इस वजह से हमने चेंज कर दिया कि कुछ प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं ये पूरा कंप्रेसर ऑयल थोड़ा सा लगाकर इस पाइप को टाइट कर देता हूं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लीकेज चेक करेंगे, क्योंकि हमेशा मैं बताता हूं लीकेज चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग खोले हैं पाइप वाइप लीकेज हो गया तो गैस हम लोग का नुकसान हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उससे बेहतर है कि आप एक बार नाइट्रोजन डालकर गैस लीकेज जो भी हो चेक कर लें एक बार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं नाइट्रोजन इसमें डालने जा रहा हूं। नाइट्रोजन डालना भी कितना है, 250 पॉइंट तक डालना, 250 प्रेशर आप डालेंगे तो लीकेज कोई भी होगा तो मामूली से मामूली लीकेज 250 में ऑलमोस्ट बता देता है। बहुत बारीकी होता है तो वो 300 तक डालना पड़ता है, पर आप 250 डाल दीजिए और 250 देख लीजिए दोस्तों, ये स्टेबल जब मीटर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लीकेज चेक कर लेंगे। लीकेज चेक करने के बाद जो इसका रेडिएटर फ़ैन मतलब कंडेंसर फ़ैन था उसको सही करना है, क्योंकि वो उसी के वजह से दोस्तों ये कंप्रेसर ख़राब होता है। कभी भी दोस्तों देखिए, अगर मैं ये क्लच सेट जो है मैं चेंज किया हूँ, अगर मैं रेडिएटर फ़ैन नहीं बनाऊँगा तो ये काम नहीं करेगा। कभी भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी काम नहीं करेगा। तो जो प्रॉब्लम है पहले उसको सॉर्ट कीजिए। जैसे ही हम लोग सब कुछ फिटिंग कर लेंगे उसके बाद हम लोग देख लेंगे, ये देखिए दोस्तों 250 पॉइंट तक मेरा घड़ी स्टेबल था। तो अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन निकालकर सीधा गाड़ी में गैस रिफिलिंग करेंगे। रिफिलिंग करने के बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि कूलिंग कैसा है क्या नहीं है। तो अभी भी दोस्तों देखिए, मैं रेडिएटर फैन अभी खोला नहीं हूँ, क्योंकि रेडिएटर फैन खोलने ही जा रहा था, जैसे मैं बोला कि गैस थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ, गैस डालने के बाद रेडिएटर फैन चेक करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये गैस नहीं डालेंगे तब तक रेडिएटर फैन ऑन नहीं होता है, इसका एचपी स्विच काम नहीं करता तब तक ये। तो ये देखिए, जैसे गैस में डालने जा रहा था ये ऊपर नीचे स्विच हो रहा था, ये देखिए ये रुक नहीं रहा था, 40 पर रुकना चाहिए, 40-35 के नीचे पर रुक नहीं रहा था। तो मैंने तुरंत रेडिएटर फैन खोला, ये देखिए इसके अंदर, ये सॉकेट के अंदर देखिए, मोटर इसका पुराना था पर ख़राब नहीं था दोस्तों। तो इसका सिर्फ जंग लगने की वजह से ये मोटर बंद हो गया था, बस छोटी सी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। कस्टमर को आइडिया नहीं था इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा, मतलब वो चलाते थे लेकिन उनको आइडिया नहीं था उतना, इसी वजह से वो ध्यान नहीं दे पाए इस चीज़ को, मतलब और इस तरह से आपका कंप्रेसर इनका जल गया। मैं रेडिएटर फैन को रिपेयर करके लगा देता हूं, और उसके बाद भी मैं आपको घड़ी दिखाऊंगा कि किस तरह से स्टेबल रहना चाहिए और कूलिंग क्या है। कस्टमर का रिव्यू भी लेंगे हम लोग, ज़रूर बात करेंगे उनसे कि कैसा लगा उनको हमारा काम, ये सब चीज़ें। चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए आप।
सब कुछ अच्छे से टाइट करने के बाद हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा रिफंड कैसे काम कर रहा है। और हम आपको लास्ट में आपको दिखा देंगे कि घड़ी का सुई जो होता है, जो एसी का मीटर है, उसका सुई कितना पे रहना चाहिए, कैसे। ये देखिए हमारा कंप्रेसर चालू दिख रहा है आपको और रेडिएटर फैन भी कंप्लीट चल रहा है, इससे क्या अब गाड़ी ठंडा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों 40 और 30 मतलब 35 पे है, एकदम स्टेबल है, थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, गाड़ी स्टार्ट है हमारा। जैसा कि आपने देखा हमारे वीडियो में कि हमने पूरा जैसे कि इसका कंप्रेसर और रेडिएटर फैन, कंप्रेसर का जो कोयल था, मैग्नेट कोयल था, वो सब चेंज किया हमने। उसके बाद गाड़ी को करीबन 20 मिनट तक चालू करके छोड़ दिया है ताकि हम लोग को कूलिंग पता चले। तो चलिए हम बात करते हैं जो जिसकी गाड़ी है उन भैया से कि उनको कैसा लगा हमारा काम और कूलिंग और ये सब काम के बारे में कुछ उनसे पूछ लेते हैं ताकि हम लोग आपको बता सकें। भैया बताइए आपको कैसा लगा आपका काम, हमारा काम। भैया आपका काम जो है कि बहुत सुपीरियर रहा, काफ़ी मेहनत के बाद। पहले तो आप जो है कंप्रेसर इसका ठीक किए हैं जो गड़बड़ी थी, मैग्नेट कॉयल जो था जी इसको आप बनाए हैं। उसके बाद रेडिएटर फैन को सही किए हैं और लीकेज जो है चेक किए नाइट्रोजन डाल करके। काफ़ी सुविधाजनक आपका काम रहा और इस समय जो है काफ़ी कूलिंग करें, हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस समय काफ़ी हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। चलिए भैया धन्यवाद आपका। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को अगर नए हो तो, और बेल आइकन दबा दें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। और यही ऐसी ही प्रॉब्लम जो भी होगी आपको छोटी छोटी जानकारी दी जाएगी हमारे चैनल पे। तब तक के लिए जय माता दी।